कोरिया जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे के ऊपर वन विभाग की महिला कर्मी ने जबरन लकड़ी चोरी करने और अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला कर्मी का कहना है कि बीजेपी नेता कृष्ण बिहारी जायसवाल के बेटे कुणाल जायसवाल ने उससे जातिगत गाली गलौज करते हुए दुर्व्यवहार किया और जबरन 7 क्विंटल लकड़ी बिना पैसे दिए लेकर चले गए। इस घटना के बाद महिला अधिकारी थाने पहुंची, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। वन विभाग के सर्किल ऑफिसर उषा भगत ने कहा कि सुबह में वन डिपो में भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल का बेटा कुणाल जायसवाल ने अपने साथियों के साथ आया। उसने मुझसे जातिगत गाली गलौज करते हुए दुर्व्यवहार किया और फिर फॉरेस्ट डिपो से ट्रैक्टर में जबरन 4 से 5 क्विंटल लकड़ी बिना बिल भुगतान के लेकर चले गए। साथ ही मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी। डिपो में आज लगभग 12:30 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया कि फ्री में लकड़ी दे दीजिए, तो मैं मना की, तो जबरदस्ती लकड़ी लोड करा के गेट का ताला तोड़ के ले गए और मेरे साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। और उसके द्वारा पूर्व में भी इस टाइप से एक बार और हुआ था। 4 बजे से आए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, नहीं अभी नहीं हुआ है। देखिए, इनके द्वारा पूर्व में नहीं बताया गया था, इसके पहले भी इनके द्वारा और इनके चाचा के द्वारा इनके साथ बदतमीजी किया गया है। सर, यहाँ तक बोला गया है कि आप गलत जगह पे आ गई हो ड्यूटी करने, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इनके द्वारा बल्कि बोला भी गया कि शासन सत्ता आपका है, आप हमारा ट्रांसफ़र करवा दीजिए यहाँ। जब ये घटना हुआ वहाँ उस टाइम तो वहाँ पर मैं नहीं था। इनके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी कोरिया के जिला अध्यक्ष के लड़के हैं कुणाल जायसवाल, उनके द्वारा मतलब कि फोन के माध्यम से गाली गलौज किया गया है और डिपो का गेट को धक्का मार के मतलब कि वहाँ से लकड़ी जबरदस्ती लेके चले गए। पैसा मांगा गया है इनके द्वारा कि भाई डिपो से लकड़ी ले जा रहे हैं, पैसा दीजिए, मेरे को भी जवाब देना रहता है ऊपर। तो इनके द्वारा जबरदस्ती लकड़ी को ले जाया गया और इसके बाद गाली गलौज, इनको जातिगत रूप से गाली दिया गया।